goods, goods कह रहे हैं। तो ये goods होते क्या हैं? Well, the formal definition of goods says any commodity in which a business deals. अरे कहना क्या चाहते हो? यानी हर वो commodity जिसमें business deal कर रहा है, उसको हम goods कहते हैं। है ना simple? लेकिन इतना simple भी नहीं है। इन goods को goods कहलाने के लिए दो condition है। यानी अगर आप किसी भी product का परचेज एंड सेल कर रहे हैं, यानी आप उसको खरीद रहे और बेच रहे हैं, तो आप उनको गुड्स कह सकते हो। ये है इसका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, ये जो आप खरीद रहे और बेच रहे, ये कोई ओकेजनल बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। यानी आप कभी कभी कोई कमोडिटी को खरीदोगे तो उसको आप गुड्स नहीं कह सकते हो। आप गुड्स सिर्फ उन्ही कमोडिटीज को कह सकते हो जिनको आप बार बार लगातार बार बार खरीदते हो। प्यारी समझ गई। Let's understand goods with an example. मान लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा गाड़ियों का शोरूम है, जहाँ पे आप बड़ी बड़ी मजेदार कलर्स की और लग्जरियस कार्स बेच रहे हैं। तो आपके लिए ये कार्स गुड्स हो गए, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे इन गाड़ियों की परचेज एंड सेल करते हैं। लेकिन यही गाड़ियां किसी लोकल किराने वाले के लिए गुड्स नहीं हुए। तो लोकल किराने वाले के लिए गुड्स क्या हो गए? आटा, जुआर, बिस्किट्स, जो भी चीजें आपको लोकल किराने वाला बेचता है, वो सब गुड्स हो गए लोकल किराने वाले के लिए। आई होप सबको गुड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।